अपनी पूरी जान की बाजी बीजेपी ने लगा दी और इसके लिए इन्होंने अपनी पूरी सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग किया तथा हर प्रकार के असंवैधानिक व अलोकतांत्रिक घिनौने हथकंडे तक भी इस्तेमाल किए ताकि सपा व बसपा में जो अभी हाल ही में थोड़ी नजदीकी आई है तो फिर वह ढीली पड़ जाए या पूरे तौर से खत्म हो जाए, जिससे देश में एक वर्ष के अंदर होने वाले लोकसभा चुनाव में फिर बीजेपी को इसका ज्यादा नुकसान न उठाना पड़े, इस नुकसान से बच जाए। और इसी षड्यंत्र के तहत फिर इन्होंने सभी प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके कल बीएसपी के राज्यसभा प्रत्याशी को ये चुनाव हरवा दिया। अर्थात कल उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा की सीटों के लिए हुए चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं तो उस पर हमारी पार्टी बीएसपी की वही प्रतिक्रिया है जो कि इस बारे में आम जनता के विचार है और आप लोगों के भी विचार है, मीडिया बंधुओं के भी विचार हैं। और इस बारे में आम जनता की प्रतिक्रिया यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश की श्री योगी सरकार ने हमेशा की तरह इस बार भी सरकारी मशीनरी का घोर दुरुपयोग करने के साथ साथ सरकारी आतंक, मैं आतंक की बात कर रही हूँ, सरकारी आतंक व भय का भी वातावरण पैदा करके एक धन्ना सेठ को राज्यसभा की अतिरिक्त सीट पर चुनाव जितवा दिया है। यह बीजेपी सरकार की धन्ना सेठ समर्थक नीति व कार्यकलाप का एक और जीता जागता ठोस प्रमाण है, उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और वैसे तो इस चुनाव में बीजेपी द्वारा विधायकों की धन बल के आधार पर की गई खरीद फरोख्त के बारे में जनता जानती है, ये सब जनता जानती है, परंतु बीजेपी सरकार द्वारा अपने अतिरिक्त धन्ना सेठ उम्मीदवार को जिताने के लिए जो भय व आतंक का माहौल इस दौरान पैदा किया गया तो उस कारण भी विधायकों द्वारा अपने आप को बचाने के लिए कुछ क्रॉस वोटिंग भी की गई, उनको डराया गया कि ये सरकार के तो अभी 4 साल और पड़े हैं, सेंटर में उनकी सरकार है, सीबीआई है, ईडी है, सब उनके पास हथकंडे हैं, तो उस कारण भी ये सब उनको उनमें डर पैदा किया, आतंक पैदा किया और उस कारण भी कुछ विधायकों द्वारा अपने आप को बचाने के लिए कुछ क्रॉस वोटिंग भी की गई है। बाकी लोगों ने जिन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की है उन्होंने उसका मुकाबला किया है और वे अंत तक डटे रहे, उन सबको वे उनकी हिम्मत के लिए मैं उनको बधाई देती हूं। इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी व सपा के एक एक विधायक को वोट डालने से रोकने के लिए एक सपा का और एक बीएसपी का, और इतना ही नहीं बल्कि बीएसपी व सपा के एक एक विधायक को वोट डालने से रोकने के लिए बीजेपी सरकार ने अपनी पूरी शक्ति व संसाधन लगा दिए, जबकि देश के अन्य राज्यों में कहीं भी ऐसा नहीं होता है तथा विधायकों को सदन की कार्यवाही में भाग लेने व उन्हें समय पड़ने पर वोट डालने के लिए जेल से बाहर लाया जाता रहा है। कीजिए सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को, साथ ही Facebook, Twitter, Instagram, Google+ पर भी फॉलो करें, LinkedIn पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।